हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह का वक्त है, देखिए रात भर से बारिश हो रही है। ये देखिए, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके शहर में किस तरह का हाल है। कल भी लगातार बारिश हो रही थी देहरादून में, और आज भी लगातार बारिश हो रही है। आज मैं आपके साथ अपने अप्पे की रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप उसे देखना मत भूलिएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए चॉप किया हुआ प्याज, चॉप की हुई बीन्स, चॉप की हुई गाजर, और अगर आप यूज़ करते हैं हरी मिर्च तो आप इसमें रख सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और क्वांटिटी हमें चाहिए, देखिए 2 बाउल, 3। ये क्वांटिटी आप अपने अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 3 कटोरा सूजी लिए तो आपको 1.5 कटोरा दही यूज करनी पड़ेगी। मैंने 1/2 कटोरा दही यूज कर लिया। गाजर, प्याज, बीन्स, हरी मिर्च को मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं, सॉल्ट, इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और हाँ, मैं थोड़ा पानी भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बैटर को आप 1-1/2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, उससे ये सूजी पूरी पानी के साथ घुल जाती है। और बनाने से पहले इसमें 1 पैकेट इनो भी ज़रूर डालिए। एक आधा घंटा आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और उसके बाद अगर देखिए ये बहुत ठीक है तो आप इसमें थोड़ा और पानी ऐड करके इसको थोड़ा इस तरह का बनाइए बैटर। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। देखिए फ्रेंड्स, इस बैटर को रखे हुए 1/2 घंटा हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 पैकेट इनो, और जो अप्पा स्टैंड है वो हमने गैस ऑन करके उसको गर्म होने के लिए रख दिया है, और वो जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद देखिए कि हम इनो इसमें मिला चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड का यूज़ करेंगे। अगर हम इन अप्पों में वेजिटेबल डाल देंगे तो ये ज़्यादा पौष्टिक और टेस्टी होंगे। गैस की आंच को कम कर दीजिए। देखिए वेजिटेबल, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल का हम यूज़ करेंगे ये ज़्यादा कलरफुल दिखेगा, कहीं पर रेड कहीं पर ग्रीन।
थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से और ऐड करेंगे। ये एक ऐसे डिश है जिसमें ऑयल का बहुत कम यूज होता है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा ऊपर से कवर भी कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी पक जाएंगे। देखिए नीचे से पक चुके हैं और आप बस इनको साइड पकने की तरफ दीजिए। ये देखिए हमने ये पलट दिया है और ये इस प्रकार से दोनों तरफ सिक चुके हैं अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स अप्पे तैयार हो चुके हैं और आप भी चाय के साथ और सॉस के साथ इन अप्पों का मज़ा लीजिए। हम मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बाहर और मैं अभी आपको एक छोटी सी झील दिखाऊंगी जिसमें बहुत प्यारी प्यारी डक्स हैं। ये मास्क इसलिए वेयर किया हुआ है क्योंकि अब फिर से कोरोना का समय आ गया है, इसलिए मास्क वेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी अगर कहीं बाहर जाएँ तो मास्क वेयर करें और सैनिटाइजर जरूर लें अपने साथ।
बत्तख इतनी प्यारी लग रही है, ये देखिए बहुत सारी है। ये छोटा सा लेक है, देखिए ये देखिए देखिए बहुत पास मेरे, ये देखिए कितनी सुंदर है। ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, ओके बाय।